अगर आपने अभी तक गुल्ली बुली और ग्रेनी हॉरर स्टोरी का पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली सोन को ढूंढने के लिए ग्रेनी के घर के अंदर आता है, पर उसे सोन कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी गुल्ली देखता है कि यहाँ पे तो एक बच्चा है जो कि ग्रेनी से छिपा हुआ है, और गुल्ली उस बच्चे से कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी गुल्ली को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही गुल्ली को पता चलता है कि चिड़िया के पास कोई खड़ा है तो गुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है और साइड की तरफ जाके छिप जाता है। और इधर बाहर मोटू पतलू और बुल्ली सोच रहे थे कि गुल्ली सोन को लेकर आ जाएगा और फिर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली यहाँ पर छिपकर ग्रैंडपा को देख रहा होता है। तभी गुल्ली देखता है कि जैसे ही ग्रैंडपा सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए अपने पैर को आगे बढ़ाते हैं, तभी ग्रैंडपा का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही गुल्ली देखता है कि ग्रैंडपा नीचे गिरकर बेहोश हो गए हैं, तभी वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, कहीं तुम्हें ग्रेनी ने पकड़कर यहाँ तो नहीं लाया है। तभी वो बच्चा कहता है कि आज शाम की ही बात है, आज शाम को मैं अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी खेलते खेलते मैं ग्रेनी के घर के पास आ गया। मैं ग्रेनी के घर के पास खेल ही रहा था तभी ग्रेनी ने मुझे पकड़ ली और अपने घर में ले आई। और फिर गुल्ली उस बच्चे से कहता है कि अगर तुम्हें इस घर से बाहर जाना है तो तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना होगा और फिर तुम इस घर से बाहर जा सकते हो। ये सब बातें कहने के बाद गुल्ली सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और ये बच्चा भी गुल्ली के पीछे पीछे जाने लगता है। गुल्ली दौड़ते हुए उस दरवाजे के पास आता है और उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें तो अपने घर का रास्ता पता ही होगा, तुम अपने घर चले जाओ। ये बात सुनते ही वो बच्चा दौड़ते हुए अपने घर चला जाता है। अब गुल्ली ग्रेनी के घर के अंदर दोबारा से सोन को ढूंढने जाएगा क्योंकि गुल्ली को सोन तो मिला ही नहीं है। अरे ये क्या, गुल्ली घर के अंदर ना जाकर घर के बाहर क्यों जा रहा है? अरे ये क्या, यहाँ तो ग्रेनी आ चुकी है और ग्रेनी ने तो गुल्ली को देख लिया है, पर गुल्ली तो ग्रेनी को देखते ही यहाँ से भाग गया है। अरे ये क्या, गुल्ली तो भागते हुए मोटू पतलू और गुल्ली के पास आ रहा है। गुल्ली काफी तेजी से दौड़ते हुए आता है, छलांग लगाकर गाड़ी में चढ़ जाता है और गुल्ली बुली से कहने लगता है कि मैंने ग्रेनी के घर में पूरा देख लिया है पर सोन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग सोन को नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि सोन को ग्रेनी ने कहीं बंद कर दिया है। अब सोन को सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं, हम लोगों को बाबा के पास जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुली मोटू पतलू को जीप से उतार देते हैं और बुली मोटू पतलू से कहता है कि अब तुम लोग अपने घर चले जाओ क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है, हम लोग बाबा को लेकर आएंगे और सोन को लेकर अपने घर चले जाएंगे और हम लोग तुम लोगों के घर कभी और चले जाएंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मोटू पतलू अपने घर चले जाते हैं और फिर गुल्ली बुली अपनी जीप को मुड़ाकर बाबा के घर जाने लगते हैं। गुल्ली बुली तो बाबा के घर जा रहे हैं पर पता नहीं बाबा घर में होंगे भी या नहीं। अरे ये क्या, ग्रेनी ने तो गुल्ली बुली को जाता देख लिया है, अब कहीं ग्रेनी सोन को मार न दे और उसे खा न जाए। अब ग्रेनी तो अपने घर के अंदर जा रही है, अब कहीं गुल्ली बुली बाबा को लेकर यहाँ जल्दी नहीं पहुंचे तो पता नहीं सोन का क्या होगा, कहीं ग्रेनी उसे मार न दे। और इस वीडियो के लास्ट में पिछली वीडियो के सारे कमेंट दिखाए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। गुल्ली बुली तो काफी ज्यादा डरे हुए हैं और बाबा के घर के काम भी करीब पहुंच चुके हैं। गुल्ली बुली इसलिए डरे हुए हैं कि गुल्ली बुली सोच रहे हैं कि कहीं बाबा इन लोगों को घर में नहीं मिले तो पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। तभी बुल्ली गाड़ी को बाबा के घर के सामने रोक देता है और बाबा के घर को देखने लगता है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद गुल्ली बाबा को आवाज लगाता है। अरे ये क्या, बाबा तो अपने घर में ही हैं। और बाबा जैसे ही गुल्ली बुली को देखते हैं तो बाबा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चलते हुए गुल्ली बुली के पास आने लगते हैं। बाबा गुल्ली बुली के पास आकर गुल्ली बुली से कहते हैं कि मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हुई तुम लोग कितने दिनों बाद मेरे घर आए हो, पर तुम लोग इतने उदास क्यों हो? तभी गुल्ली बाबा को कहता है मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग तीनों मोटू पतलू के साथ उनके घर जा रहे थे, तभी रास्ते में हम लोगों को ग्रेनी का घर दिखाई दिया जहाँ से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, तभी हम लोग अपनी गाड़ी को वहीं रोक देते हैं और गुल्ली बाबा को सारी बातें बताने लगता है। सारी बातें सुनने के बाद बाबा गुल्ली बुली से कहते हैं कि उस ग्रेनी की इतनी हिम्मत, उसने सोन को कहीं बंद करके रख दिया है। और फिर बाबा गुल्ली बुली से कहते हैं कि तुम लोग अपनी गाड़ी घुमाओ, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ।
और फिर बाबा अपनी बाइक लाने के लिए जाने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद बाबा अपनी बाइक को ले आते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली को जाने के लिए कहते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर वहाँ से जाने लगते हैं और फिर बाबा भी अपनी बाइक को स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी तेज़ी से गुल्ली बुल्ली के आगे चले जाते हैं और बाबा तो काफ़ी तेज़ी से बाइक चला रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद बाबा किरणी के घर के पास पहुंच जाते हैं और बाबा के पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली भी काफी तेजी से किरणी के घर के पास पहुंच जाते हैं। किरणी के घर के पास पहुंचने के बाद बाबा किरणी के घर को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद बाबा किरणी को आवाज लगाते हैं पर किरणी घर से बाहर नहीं आती है। अरे ये क्या, घर से बाहर तो ग्रैंडपा आ रहे हैं। जैसे ग्रैंडपा घर से बाहर आते हैं तभी बाबा ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम लोग सोन को छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और बाबा की बात सुनने के बाद ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ग्रैंडपा बाबा से कहते हैं कि तुम जो भी हो मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी बाबा ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है कर लो। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा दौड़ते हुए बाबा की तरफ आने लगते हैं और ये क्या, ग्रैंडपा ने तो बाबा को एक ही किक में गिरा दिया है। और ये क्या, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है। शायद बाबा ग्रैंडपा को नहीं छोड़ने वाले हैं और शायद ग्रैंडपा को बाबा के एक्सट्रीम मोड के बारे में पता नहीं है। अरे ये क्या, बाबा ने तो ग्रैंडपा को काफी बुरी तरीके से मारा है। ग्रैंडपा की मार खाने के बाद ग्रैनी घर से बाहर आती है और ग्रैनी बाबा से कहती है कि हम लोगों को माफ कर दीजिए बाबा और अब हम लोग किसी बच्चे को नहीं पकड़ेंगे और आप सोन को भी ले जा सकते हैं, रुकी मैं अभी सोन को लेकर आती हूँ। ये सब कहने के बाद ग्रैनी घर के अंदर जाने लगती है जैसे ही ग्रैनी उस रूम के दरवाजे को खोलती है तभी उस रूम के अंदर से सोन दौड़ते हुए बाहर आता है। सोन ने जैसे ही गुल्ली बुल्ली और बाबा को देखा तो सोन काफी ज्यादा खुश हो गया और सोन दौड़ते हुए बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और सोन तो काफी ज्यादा खुश लग रहा है। सोन को खुश देखकर बाबा का एक्सट्रीम मोड भी शांत हो जाता है। अरे ये क्या, सोन तो बाबा की बाइक में बैठ गया है और गुल्ली बुल्ली अपनी जीप में बैठ गए हैं और फिर ये लोग अपने घर चले जाते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये है पिछली वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इस कमेंट में नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जाए।